हाय गाइस, तो देखो यहाँ पर मैं आज आपके लिए फिर से एक और क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर पहले हम फिगर बनाएंगे, तो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते हम फिगर बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन कि ट्राइंगल है एक, वो ट्राइंगल है ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी जो है, ये वाला जो एंगल है वो याले एंगल के इक्वल है, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे गिवन जो है हमें वो लिखेंगे, ठीक है। गिवन यहाँ से लिखेंगे एंगल बी भी कह सकते हैं इसको, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ठीक हो गया। अब यहाँ पर एंड द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए बी सी, इसके बाइसेक्टर और इसके बाइसेक्टर मिलते हैं और पॉइंट ओ बनाते हैं, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है ना, इन्होंने पहले से ही दे रखा है हमें कि जो याला पॉइंट है, कि जो याला पॉइंट है ना, ये वाला, ये देखो ये वाला पॉइंट जो पॉइंट है एंगल बी ओ सी, वो है 120 डिग्री। अब शो डैट एंगल ए, मतलब हमें इसमें प्रूव करना है कि जो एंगल ए है और जो एंगल बी है और जो एंगल सी है वो सब 60 डिग्री है, ठीक है। तो टू प्रूव दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर 120 डिग्री है, तो हमने पढ़ रखा है कि जो एंगल बी है और एंगल सी है, तो प्रूफ लिख देता हूँ पहले, ठीक है। अब हमने पढ़ रखा है कि यहाँ पर जो दे रखा है, गिवन है कि एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ठीक है। एंगल बी जो है वो इक्वल है एंगल सी के, तो जो उसके बाइसेक्टर है, जो उसके बाइसेक्टर मतलब ये और ये जो है ना, ये वाला और ये वाला, वो भी इक्वल होंगे, ठीक है। अब इसके अंदर की जो बी ओ ट्राइंगल बी ओ सी है ना, इसमें निकालेंगे हम, ठीक है। पहले तो यहाँ पर लिखेंगे इन ट्राइंगल ओ बी सी, ठीक है, एंगल ओ प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी हो गई है, तो यहाँ पर ओ की वैल्यू हमें पता है। और देखो इसको इसको हम दोनों को एक्स मान लेते हैं, क्योंकि दोनों की वैल्यू जो होगी वो एक होगी, हमें पता है ना, तो एक्स मान लो, ठीक है। अब यहाँ पर 120 डिग्री प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, 2x इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर 2x है 60 डिग्री, अब 2 को यहाँ भेजेंगे, ठीक है, जो 2 है ना उसको यहाँ भेजेंगे, तो आ जाएगा x इज इक्वल टू 30 डिग्री। सिंपल लिख रहा हूँ, जल्दी लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 30 डिग्री इसका आंसर आ गया है। अब x 30 डिग्री है, तो ये बी बी और सी दोनों 30 डिग्री है ना, तो यहाँ पर हम अब लिख देंगे कि देयर फोर एंगल बी इज पूरा नहीं लिखेंगे, सॉरी, यहाँ पर दोनों को हमने, ये देखो हम ऐसे लिखेंगे एंगल ओ बी सी प्लस इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। अब देखो 30 डिग्री इसका हाफ है, जो मैंने बताया था कि बाइसेक्टर जो होता है वो डिवाइड करता है दोनों को इक्वल पार्ट में, ठीक है। अब ये 30 है, ठीक है। अब अगर ये जो एंगल है ना, ये वाला जो एंगल है ये 30 डिग्री है, तो ये और ये भी 30 डिग्री है, ठीक है। ये वाला एंगल अगर 30 डिग्री है, तो इसका हाफ है पूरे एंगल का, तो इसका डबल हो जाएगा 60 डिग्री। इसका मतलब ये भी 30 डिग्री हुआ और ये भी 30 डिग्री हुआ, ठीक है। तो 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री हो गया, ठीक है। तो हमने हमें पता लग गया है कि जो ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है, ये दोनों 60 डिग्री है, ठीक है। अब यह हमने प्रूफ, इतना तो प्रूफ हो गया हमसे कि एंगल बी जो है वह एंगल सी के दोनों 60 डिग्री। अब एंगल ए भी 60 डिग्री है, वो प्रूफ करना है, पर हम अभी रिटर्न पार्ट नहीं हुआ है, ओरली हो गया है, ठीक है। तो पहले रिटर्न पार्ट करते हैं अब, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि नाउ एंगल हाफ ऑफ एंगल बी सी, ठीक है, बी हाफ ऑफ एंगल बी, सॉरी, एंगल बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 30 डिग्री, क्योंकि जो हमने ये था ना फिगर जो हमारा था वो उसका हाफ था ना, मैंने बताया था अभी बाइसेक्टर था, तो ये ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, तो हाफ ऑफ एंगल बी। अब हाफ ऑफ एंगल बी की जगह हम ए बी ओ भी लिख सकते हैं, तो ए बी ओ और ए सी ओ भी 30 डिग्री हो गया, क्योंकि हाफ तो वो भी है ना, दोनों हाफ है, तो मतलब दोनों 30 डिग्री हुए। अब यहाँ पर हम सही हो गया लिख देंगे। अब हम पूरे ट्राइंगल में लगाएंगे, जो बड़ा वाला ट्राइंगल था ना,
पहले इससे पहले हमने छोटा ट्रायंगल में लगाया था, अब पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल में हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो पूरे ट्रायंगल में लगाते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखो अब यहाँ पर जो एंगल ए तो वैसे ही रहेगा, एंगल बी का आधा आधा कितना था 30 डिग्री, तो उसका डबल कितना होगा, डबल होगा 60 डिग्री। तो 60 डिग्री सीधे पुट करो, कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और एंगल सी का भी ऐसा ही है, ये देखो ठीक है, तो उसका डबल होगा 60 डिग्री। तो ये हो गया 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल ए इसको यहाँ भेजो अर्ली से, -120 डिग्री। अब एंगल ए जो वो भी 60 डिग्री हो चुका है भाई, हमारे पास ये भी 60 डिग्री आ चुका है। तो हैंस, अब हैंस वी हैव प्रूफ्ड, ठीक है, हैंस प्रूफ्ड लिख देंगे लास्ट में। हमने प्रूफ कर लिया है कि जो एंगल ए है वो 60 डिग्री है, ठीक है, और जो एंगल बी और सी है वो भी 60 डिग्री है, ठीक है। तो बाय बाय गाइस, अगली वीडियो में फिर मैं फिर आऊँगा कोई और क्वेश्चंस लेके, ठीक है।